दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी का जीवन परिचय। यह वीडियो आपको करंट अफेयर्स प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में सहायक होगी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। शत्रुघ्न सिन्हा के बॉलीवुड में एक उपलब्धि थी और उन्होंने राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें बीजेपी के स्टार कैंपेनर के रूप में चुना गया है, जो उनकी राजनीतिक उपस्थिति को और भी प्रभावी बनाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार में एक विविधता और उत्तेजना का वातावरण था, जहां उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा मिली। अपने पिता के सपनों के मुताबिक वे न केवल एक विशेषज्ञ अभिनेता बने, बल्कि राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1945 को पटना के कदमकुआं स्थित घर में हुआ था। इसका निर्माण उनके पिता डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ने करवाया था। शत्रुघ्न सिन्हा के इस घर में तब के बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, क्रिकेटर और पॉलिटिशियन भी पधार चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के तीनों बड़े भाई साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर थे। ऐसे में पिता चाहते थे कि उनका छोटा बेटा भी अपने तीनों बड़े भाइयों की तरह या तो डॉक्टर बने या साइंटिस्ट। यह सत्य है कि शत्रुघ्न सिन्हा की रुचि पहले अन्य क्षेत्रों में थी, लेकिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी क्षमताओं को पहचाना और स्थापित किया। उनके बड़े भाई लखन सहारा की सहायता से उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने का मार्ग चुना। यह उनकी जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने उनके करियर को परिवर्तित किया। शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार की संघर्षपूर्ण यात्रा और उनके परिवार के सदस्यों की विविधता का वर्णन करते हुए उनके परिवार की यह अनोखी दास्तान भी उनकी अनूठी प्रेरणा का स्रोत बनी होगी। शत्रुघ्न सिन्हा की संघर्षपूर्ण यात्रा का वर्णन करते हुए उनकी प्रेरणादायक कहानी और उनकी अद्वितीय प्रतिभा ने उन्हें फिल्म उद्योग में अपना स्थान बनाने में मदद की। उनका संघर्ष और उत्साह हमें सबक सिखाता है कि सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा की कहानी एक अद्वितीय और प्रेरणादायक उदाहरण है, जो उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा को दर्शाता है। उनकी उपस्थिति हिंदी सिनेमा में एक महत्वपूर्ण अध्याय है और उनकी अनूठी प्रतिभा और आवाज का उपयोग ने उन्हें दर्शकों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। उन्हें खलनायक के रूप में पहचाना जाना संगीन अभिनय की एक नई मिसाल बना देता है। खलनायकी के रूप में छाप छोड़ने के बाद वे हीरो भी बने। जॉनी उर्फ राजकुमार की तरह शत्रुघ्न की डायलॉग डिलीवरी एकदम मुंहफट शैली की रही है। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द बंदूक की गोली समान होते थे, इसलिए उन्हें शॉटगन का टाइटल भी दे दिया गया। शत्रुघ्न की पहली हिंदी फिल्म डायरेक्टर मोहन सहगल निर्देशित साजन 1968 के बाद अभिनेत्री मुमताज की सिफारिश से उन्हें चंदर वोहरा की फिल्म खिलौना 1970 मिली। इसके हीरो संजीव कुमार थे। बिहारी बाबू को बिहारी दल्ला का रोल दिया गया। शत्रुघ्न ने इसे इतनी खूबी से निभाया कि रातों रात वे निर्माताओं की पहली पसंद बन गए। उनके चेहरे के एक गाल पर कट का लंबा निशान है। शत्रुघ्न सिन्हा की मानवीयता और सरलता का जिक्र करना बहुत ही सार्थक है। उनका संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हर किसी को प्रेरित करता है कि अपने आसपास लोगों की मदद करें और अच्छे काम करें। उनके अंदाज और भाषण में तीखापन भी एक अलग पहचान है, जो उन्हें अन्यत्र से अलग बनाता है। उनका सफल करियर और संघर्षपूर्ण यात्रा हमें सीख देते हुए उनके अनूठे योगदान की सराहना की जाती है। शत्रुघ्न सिन्हा का विवाह और परिवार की स्थापना की कहानी भी बेहद रोचक है। उनकी पत्नी पूनम की भी फिल्म इंडस्ट्री में कड़ी मेहनत और प्रतिभा की कहानी है। उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने भी अपने परिवार की लगभग प्रत्येक पीढ़ी की तरह स्क्रीन पर अपनी प्रतिभा का परिचय किया है। उनका परिवार बॉलीवुड में एक प्रसिद्ध नाम है, जिसने अपनी प्रतिभा और मेहनत से लोगों का दिल जीता है। शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्मों की सूची वाकई उनके उपलब्ध काम की एक अद्वितीय संख्या को प्रस्तुत करती है। उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में
अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और हिंदी सिनेमा को अनेक यादगार किरदारों के माध्यम से आलोचकों और दर्शकों को प्रस्तुत किया है। उनकी फिल्मों में उनके अद्वितीय और प्रभावशाली अभिनय की भूमिकाओं के लिए उन्हें सराहा जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी के लोकार्पण से उन्होंने अपने जीवन की कहानी को सच्चाई और पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत किया है। उनका इस तरह का स्वीकृति मिलना संवेदनशीलता और सहजता का प्रमाण है। उन्होंने अपने अनुभवों और दृश्यों को होनेस्टली व्यक्त किया है, जो उनकी जीवन की सच्चाई को बयान करता है। इससे उनके प्रशंसकों को उनके अनछुए और अद्वितीय पहलुओं का एक सटीक और सामग्रीय धारणा होती है। यह सही है कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी राय और विचार व्यक्त करने का अधिकार होता है। शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी का लोकार्पण किया गया है और इसमें उनके और अमिताभ बच्चन के बीच के मनमुटाव और संबंध की बातें लिखी गई हैं। यह साहित्यिक काम लेखक भारतीय प्रधान के अनुभव, संग्रहित साक्षात्कारों और शत्रुघ्न सिन्हा और उनके परिवार के साथ किए गए विस्तृत चर्चाओं पर आधारित है। इसका मकसद सच्चाई को प्रकट करना और समाज को विचारों की आवश्यकता को समझने में मदद करना है। आपका आदर और सम्मान अमिताभ बच्चन के प्रति स्पष्ट और संवेदनशील विचारों को प्रकट करता है। धन्यवाद उस संदर्भ को जोड़ने के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा का साजन में पुलिस इंस्पेक्टर के छोटे रोल के बारे में जानकर मजा आया। ये उनके करियर की शुरुआत का महत्वपूर्ण पल था। शत्रुघ्न सिन्हा ने गुलजार की फिल्म मेरे अपने में काफी फेमस छेनू का किरदार निभाया था। उसके बाद कालीचरण फिल्म में काम करके शत्रु बॉलीवुड की लाइमलाइट में आए। कालीचरण रिलीज होने के बाद 24 घंटे में शत्रुघ्न ने यूनिट मेंबर्स को अपनी एक महीने की सैलरी को बोनस के रूप में देने का ऐलान कर दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने पूर्व मिस यंग इंडिया पूनम सिन्हा के साथ शादी रचाई। शत्रुघ्न ने पूनम को चलती हुई ट्रेन में फिल्म पाकीजा के डायलॉग अपने पांव जमीन पर मत रखिएगा को कागज पर लिखकर प्रपोज किया था। शादी के बाद उनके दो बेटे लव, कुश और एक बेटी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा हैं। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के बीच 70 के दशक में प्रतिस्पर्धा का दौर था। शोले एक ऐतिहासिक फिल्म थी और इसमें उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका किरदार विक्रम, जो कि गब्बर सिंह के खिलाफ लड़ते हुए आता है, उन्हें विशेष पहचान दिलाई। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी अपना योगदान दिया है। उन्होंने बिहार में यूनियन मिनिस्टर के रूप में काम किया और वर्तमान में वे बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो शुरू हो गई लेकिन बीच में ठप हो गई और पूरी नहीं हो पाई। इन फिल्मों में शामिल हैं हिंसा, दो नंबरी, जेब हमारी माल तुम्हारा, अग्निपथ, नहले पे दहला। उम्मीद करते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा जी के जीवन के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। उनके बारे में आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह अपने पसंदीदा अभिनेता के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल SVP बायोग्राफी सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय शुभ हो।